सर, मरने वाले का नाम आकाश कुमार था। ये आज कोई बहुत बड़ा ऑयल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाने वाला था, जिसके बारे में काफी चर्चा है। यस सर। तो ये सब जब हुआ तो गाड़ी मोशन में थी, चल रही? यही सर, कुछ 70-80 की स्पीड पर चल रही होगी। और ये आकाश जी के बॉडी गार्ड हैं, तो जैसे शीशा टूटने की इन्होंने आवाज सुनी तो मुझे ब्रेक मारने को कहा और मैंने ब्रेक लगा दिया सर। जब गोली चली तो आसपास किसी को देखा था क्या? नहीं सर, यहाँ दूर तक कोई नहीं था सर। गोली सीधा छाती पे, परफेक्ट है। गोली आर पार हो गई सर, पीछे एग्जिट वुंड। 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए टारगेट पे गोली चलाना, वो भी सीधे छाती पे है तो बहुत मुश्किल सर, किसी प्रोफेशनल का काम लगता है। ड्राइवर का कहना है जैसे ही कांच टूटा उसने ब्रेक मारी है, यहाँ पे यहाँ से फिर गाड़ी स्किड हो गई। सर ब्रेक्स उसने यहाँ मारी, मतलब जब गोली लगी तो गाड़ी पीछे हो गई। यानी जब आकाश को गोली लगी तब उसकी गाड़ी यहाँ पर होगी और वो पीछे वाली सीट पे बैठा था, मतलब ऐसे। सर गाड़ी के लेफ्ट साइड के दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है, मतलब खूनी ने गोली वहीं से चलाई होगी लेफ्ट साइड से। जो एग्जिट वुंड है वो एंट्री वुंड के नीचे है, तो एंगल के हिसाब से गोली काफी हाइट से चली होगी। ये पीछे बड़े बड़े झाड़ है, शायद वहीं कहीं बैठकर उसने गोली चलाई होगी। रेडी? हाँ। तुम यहीं रुको, आकाश जी की पोजीशन लेना। यहां से तो क्लियर शॉट नहीं है, लगता है और ऊपर होगा। Hey, क्या कर रहे हो, संभालो। कहाँ जा कहाँ रहे हो? अरे यार इसमें ना डाल है ना कुछ है, यहाँ पे कहाँ चढ़ा होगा? हाँ सर। पंकज यहाँ पे ट्राई करो, संभाल के चलो। फ्रेडी दिख रहे हैं? हाँ सर, फ्रेडी से दिख रहे हैं। इधर लाइट मार के देखो। हाँ सर, वो अरे वो आकाश के जैसा पोजीशन ले लो। सर क्लियर शॉट, पोजीशन ठीक है? एकदम परफेक्ट है सर। सर स्नाइपर गन का शेल ये देख। तो मतलब खूनी किसी पेड़ पे उस गाड़ी का इंतजार कर रहा था, जैसे ही अशोक सामने आया बुलेट चला दी। सर ये खूनी की नजर तो बहुत तेज है। नहीं पूर्वी, ये देखो साफ सुथरा है, आजकल में गिरा है यहाँ पे, शायद खूनी का ही होगा। अरे सर मैं नीचे आ जाऊँ? हाँ तो वहां क्या करोगे, आ जाओ। हमारा खूनी एक्सपर्ट स्नाइपर जरूर है, पर लगता है कई साल से ये काम कर रहा है। निशाना लगाते लगाते आंखें धुंधली हो गई, तो आंख साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। क्या है सर ये? फ्रेश कॉन्टैक्ट, आंखों में डालने वाला ये लुब्रिकेंट ताकि दूर तक दिखाई दे। फ्रेश कॉन्टैक्ट, अब ये यही हमें पहुंचाएगा खूनी तक। स्नाइपर का। अरे ये क्या, कौन है आप लोग?
ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर आ गए? हम लोग CID से हैं। CID? क्यों? बात क्या है? आज सुबह कावली रोड पे आकाश नाम के एक आदमी का किसी ने गोली मार के खून कर दिया। लेकिन मेरा क्या लेना देना इससे? वो गाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी और एक खूनी ने स्नाइपर गन से परफेक्ट एम करके गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी को मार दिया। और स्नाइपर गन आपके पास भी है। और आप लोगों को लगता है कि उस आदमी को मैंने मारा है? ये किसी एक्सपर्ट का काम है। और तुम एक ट्रेंड स्नाइपर भी हो। ट्रेंड स्नाइपर तो और भी बहुत लोग हैं। मेरे भैया अकेले नहीं है। काजल, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे लेकिन उनमें से कितने लोग ये वाला आई ड्रॉप यूज करते हैं? ये मैं वही मिला जहाँ से खूनी ने गोली चलाई थी। ये आई ड्रॉप उसी बैच का है जिस बैच का आई ड्रॉप आपने खरीदा था खार के एक मेडिकल स्टोर से। अब आप कहोगे कि ये आई ड्रॉप आपका नहीं है? मैं ये आई ड्रॉप यूज करता हूँ लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया ऑफिसर। मैं तो पूरे दिन से घर पे ही था। देखो नितिन, गोली का शेल हमें मिल चुका है, यहाँ पे राइफल है, तुम जानते हो आसानी से मैच किया जा सकता है। और अगर ये तुम्हारा आई ड्रॉप नहीं है तो तुम्हारा आई ड्रॉप तुम्हारे पास होना चाहिए। हम देख सकते हैं सर, वी कैन अंडरस्टैंड कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए मैम, ओह नो भैया, नहीं नहीं प्लीज एक मिनट। ये सच है, ये सब मैं ही कर रहा हूं लेकिन पता नहीं कैसे शायद मैं पागल हो रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत घुस गया है मेरे अंदर और इस भूत से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है मेरे पास। देखिए मैम, संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूं ये सही समय नहीं अब बात करने का, पर हमें आपको कुछ बताना है। ये सुसाइड नोट क्या कहना चाह रहा था ये नितिन, कुछ बता सकती हैं? सर पता नहीं उनको क्या हो रहा था, उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही थी, वो चीजें भूलने लगे थे। भैया कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं रहे थे, उनकी आंखों में जलन होने लगी थी जिसकी वजह से उन्होंने आई ड्रॉप्स लेना शुरू कर दिया था। और सर आज सुबह जब वो न्यूज देख रहे थे तब अभी खबर आई कि आज सुबह जाने माने बिजनेसमैन आकाश कुमार की हत्या कर दी। उनकी कार कावली रोड से जा रही थी कि अचानक उनके चाय पियोगे? एक गोली लग गई। भैया हैरत की बात यह है कि गोली काफी दूर से चली थी, एक लॉन्ग डिस्टेंस राइफल से 100 मीटर्स, हवा की स्पीड 18 किलोमीटर पर आर, एंगल ऑफ ट्रेजेक्ट्री 65 डिग्रीज। भैया आप तो ऐसी डिटेल्स बता रहे हो जैसे उस वक्त आप वहां पे मौजूद थे। शायद मैं था वहां पे। Damn it! अब जब फोन उठाओ यार। कब से लैंडलाइन पे फोन कर रहा हूँ सर, फोन ही नहीं उठा रहे। बॉडी कैम चेक करो, शायद पता चलेगा वो कहां पर है। देखो जरा सर, ये तो गाड़ी चला रहे। गाड़ी चला रहा है, कहां जा रहा है ये? चलिए अंतिम दर्शन कर लीजिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। Thank you.
माय गॉड हाँ सर अभिजीत शमशान घाट की तरफ आ रहा है तुम कहाँ हो सर मैं शमशान में ही हूँ पर अभिजीत यहाँ क्यों आ रहा है दया अभिजीत बाला को मारने आ रहा है क्या अभिजीत को भी वही ड्रग दिया गया जो नितिन को दिया गया था दया अभिजीत को किसी भी हालत में रोको उसे रोकना पड़ेगा बाला हमारे लिए बहुत जरूरी है ठीक है सर आप बेफिक्र रहिए बाला को कुछ नहीं होगा पंकज पूरा फुटेज रिवाइंड करो हो सकता है जिसने भी ड्रग दिया अभिजीत को वो होगा इस फुटेज में बाला की जान को खतरा है ये सही कह रहा था लेकिन यहाँ तो सब हमारे लोग हैं कौन मारेगा उसे अभिजीत क्या जो ड्रग नितिन को दिया गया था किसी ने वही ड्रग अभिजीत को भी दे दिया और इस बाला को मारने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है ये अभिजीत किसी भी वक्त यहाँ पे आता होगा अब क्या सर अब चाहे जो कुछ भी हो जाए अभिजीत को किसी भी हाल में बाला के नजदीक नहीं आना है और अभिजीत कंट्रोल में अगर नहीं आता है तो शूट हिम पॉज करो पॉज करो पॉज करो अब ठीक सर मैंने इससे पहले कहीं देखा सर कौन है ये कहां पर देखा इसे सर आया अभिजीत नहीं सर अभी तक तो अभिजीत नहीं आया यहाँ पे सर अभिजीत आ गया नितिन की बहन को वो फोटोग्राफ दिखाई तो उसने कहा कि उसका नाम दर्शन है और अभी अभी दो दिन पहले ये अभिजीत सर के बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ था पंकज देखो माय गॉड पंकज अंदर दर्शन है जाओ जल्दी सर हाँ जिंदा है जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ दर्शन
दर्शन देखो दर्शन 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 घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सर। क्या बताना चाहते हो? मैं आई के लिए काम करता था। आकाश को क्यों मारना चाहते थे? बिजनेस सर, आई का बिजनेस है ये। किसी ने पैसे देते आकाश को मारने के लिए। आकाश के बाद नितिन बाला को मारने वाला था, लेकिन नितिन फेल हो गया। नितिन फेल हो गया तो उसने खुदकुशी कर ली, और जैसे ही नितिन ने खुदकुशी कर ली, तुमने इंस्पेक्टर अभिजीत को चुना उसकी जगह पे। कुछ काम था बाला को मारने के लिए। बता कौन है ये आए? कौन है ये मास्टरमाइंड? किसे फोन करते हो तुम? किससे बात करते हो? कौन तुम्हें ऑर्डर देता है बताओ? दर्शन रिया, CID। सर ये मेरी बहन रिया है। हेलो सर। सर ये है गिरीश जी, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर। हेलो सर। सर ये मिस्टर अभय, एक नामी डायरेक्टर। हाय सर। सर ये सैंडी, रिया का मैनेजर। ये मम्मी है, ये हमारी छोटी बहन आन्या, और ये रिया का बॉडीगार्ड दिनेश। बॉडीगार्ड? तुम्हारे रहते ये सब कैसे हो रहा है? एग्जैक्टली मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए मैं उसका भर्ता बना दूंगा। अब हम आ गए हैं तो भर्ता हम ही बना देंगे। जरा वो गुड़िया दिखाइए। TKS कुरियर सर्विस से है सर। यू आर नेक्स्ट। रिया जी कब से चल रहा है ये सिलसिला? काफी वक्त से सर। आप? 3 हफ्ते पहले इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी सर। मैं महेश, क्राइम ब्रांच से। केस में कुछ प्रोग्रेस हुआ है? कुछ खास नहीं सर, ये जो भी है बहुत चालाक है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा, बस एक मौका मिलना चाहिए। रिया ये सिलसिला कब से चल रहा है? सर एक्चुअली ये 6 महीने से चल रहा है। ये आदमी मुझे सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेजेस कर रहा था, और फिर मुझे लगा कि कोई यू नो लाइक फैन टाइप का आदमी है जो यूजुअली करते रहते हैं। बट इसने मेरे नाम से आईडी भी बनाई थी, आई लव रिया। रिया यू ब्यूटिफुल, आई लव यू सो मच, आई वॉन्ट टू मैरी यू। जवाब दो वरना अच्छा नहीं होगा, चेहरा खराब कर दूंगा, गॉड जान से मार दूंगा, माय गॉड। फिर आपने उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? ऑफ कोर्स मैम मैंने ब्लॉक किया था, बट वो जिद्दी टाइप का आदमी था। वो अलग अलग आईडीज बनाकर मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और तो और उसने मुझे मेरे बिना आंखों का फोटो भेजा, और उसमें लिखा था कि अगर मैं उसके अलावा किसी और को देखूंगी तो वो मेरी आंखें निकाल देगा। कोई सर फिर आशिक लगता है सर? हाँ जी सर, इस सर फिर ने तो मुझे फोन कर परेशान कर दिया था, और वो कह रहा था कि वो मुझसे मिलने आ जाएगा। और फिर सर इतनी रातें गुजर गई कि मैं एक रात भी सुकून से सो नहीं पाई। महेश, इस आदमी का आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं किया? किया था सर, लेकिन सारे मैसेजेस नए आईपी एड्रेस से भेजे गए। और कॉल्स की डिटेल्स? सारे डिटेल नकली है सर, और ये जो भी कर रहा है पूरा प्लानिंग से कर रहा है। सभी कॉल्स अलग अलग नंबर से किए गए, शायद फोन बर्नर का इस्तेमाल किया गया है। कॉल्स की लोकेशन? सारे लोकेशन अलग अलग है सर। ये देखिए, बरेली, झांसी, इंदौर, अहमदनगर। मतलब कॉल की डिटेल्स भी नकली है? कॉल की डिटेल्स नकली है, या फिर वो धीरे धीरे करके रिया के करीब आ रहा है। अहमदनगर मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है सर। अब ये कुरियर कंपनी तो मुंबई की है सर, तब वो मुंबई आ चुका है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो अगर मुंबई आ गया है तो मैं कहाँ जाऊँ? शहर छोड़ दूँ? मैं कहाँ चली जाऊँ सर? शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है रिया, घबराओ मत। अब इसके प्यार का बुखार
हम उतारेंगे। सर तुम्हें पूरा यकीन है कि ये नोट दरवाजे के नीचे से नहीं जाएगी? सर मैंने एक नहीं चार पांच बार कोशिश की सर, उस दरवाजे के नीचे से ये नोट डालना इम्पॉसिबल है सर। सर लगता है ये घर का ही कोई करीबी आदमी है। हाँ अभिजीत सर, हमने घर की तलाशी ली तो वहां पे एक बुक शेल्फ मिला सर, उसमें एक मैगजीन मिला। देखिए उस फैन ने इस मैगजीन के अक्षरों को काट के ये नोट बनाया है। सर अगर ये कोई बाहर वाला है तो जिस फुर्सत से उसने घर में घुस के ये सब किया है, ये तो किसी साइकोपैथ का काम है। और अगर कोई घर वाला है घर के अंदर का, तो फिर रिया की जान को तो बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर एक काम करो, इस रिया के घर में रहने वाले उसके सारे के सारे रिश्तेदार, वॉचमैन, कुक, सिक्योरिटी वाला, नौकर, जो कोई भी हो, सबके बारे में पता लगाओ। देखो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, उनके फोन रिकॉर्ड भी चेक करो, एक एक की पूरी कुंडली निकालो, पूरी की पूरी कुंडली निकालो। फिल्मी दुनिया का दस्तूर है रिया, लाइट्स कैमरा एक्शन। रिया कहाँ है? डॉक्टर साहब के साथ अंदर है। डॉक्टर साहब अभी क्या? बैठ जाओ। और लास्ट में कट। माय गॉड, रिया, 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 रिया आंखें खोलो। क्या हुआ? He's dead. My God. Oh no. कौन आप लोग? सर मैं डॉक्टर हूँ और ये रिसेप्शनिस्ट है। कैसे हुआ ये? किसने किया? पता नहीं सर, कोई अचानक मेरे ऊपर पीछे से झपटा और फिर बेहोश करके हमें बांध दिया सर। God. यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? जी हाँ, यहाँ से सर। तुम ठीक तो हो? वो दीपक के सारे डेटा ब्लॉक कर देना, ठीक है? कैसे गिरिजिया? ओके थैंक यू, अपन बाद में बात करते हैं। अरे आप लोग यहाँ, वो रिया के खूनी का कुछ पता चला? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, इसलिए तो आए हैं हम लोग यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। गिरिजिया आपके पास प्रिंटर है ना? हाँ जी है मेरे पास प्रिंटर। आपको कुछ प्रिंट आउट निकालना है? जरा देख सकते हैं। लेजर प्रिंटर, सीरियल नंबर 32234DYR6। बिल्कुल वैसा ही जैसे डॉक्टर सारुंखे ने बताया था। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। जब जेल में बैठ के चक्की पीसेगा और फांसी के ऑर्डर का इंतजार करेगा ना, तब शायद बात समझ में आएगी। ये मैं क्यों जाऊंगा जेल साहब? रिया को क्यों मारा? व्हाट नॉनसेंस, मैंने रिया को नहीं मारा। ये चिट्ठी तुमने भेजी है ना रिया को? अरे सर मैं ऐसी चिट्ठी क्यों भेजूंगा? पब्लिसिटी के लिए और क्या। मेरी पिक्चर को तो वैसे भी पब्लिसिटी मिल रही थी साहब, मैंने उसको दूसरी पिक्चर के लिए भी साइन किया था और साइनिंग अमाउंट भी दिया था। भला मैं मेरा साइनिंग अमाउंट क्यों डूबने दूं, इसमें मेरा क्या फायदा है? ये चिट्ठी तुम्हारे प्रिंटर से आई है? अरे मेरा तो प्रिंटर कई लोग इस्तेमाल करते हैं सर। सर इस प्रिंटर में ये हिस्ट्री बटन है सर, अभी पता चल जाएगा 17 तारीख को 10:19 पे ये प्रिंट ऑर्डर किसने दिया था। हाँ सर ये प्रिंट ऑर्डर तो किसी फोन से दिया गया है। फोन का नाम है RLK908। ओ माय गॉड, ये तो उसका फोन है। गिरीश जी आपने मुझे इस वक्त यहां क्यों बुलाया? हमारे कहने पर। CID? हाँ। तुम्हें ससुराल लेने आए हम रिया के खून के जुर्म में।
हाँ? फिल्म का क्लाइमैक्स अधूरा छोड़ के कहाँ भाग रहे हो डायरेक्टर साहब? हाँ? रिया ने अपनी जिंदगी में जितनी भी सफलता हासिल की सिर्फ मेरी वजह से की, और जब वो सफल हो गई तो सातवें आसमान पर उड़ने लगी। वो अपनी अगली फिल्म किसी और डायरेक्टर के साथ करना चाहती थी। रिया के कहने पर ही मैंने दूसरे डायरेक्टर को साइन किया था, क्योंकि वो अभय को बहुत ही बेकार डायरेक्टर मानती थी, क्योंकि उसकी कुछ पिछली फिल्में अभय की वजह से पीटी थी। बकवास है ये सब, बकवास है। उसकी फिल्में इसलिए पीटी क्योंकि वो एक घटिया एक्ट्रेस थी, ना तो उसमें कोई टैलेंट था और ना ही दिमाग, यहां तक कि ये पब्लिसिटी का आइडिया भी उसे मैंने ही दिया था। और जब वो फेमस हो गई तो सबसे पहले उसने मेरे ही पेट पर लात मारने की कोशिश की। और उस सरफिरे फैन वाला आइडिया तुमने ही दिया था रिया को? हाँ, मेरा ही था। और जब उसने मुझसे गद्दारी की तो मैंने इस आइडिया को सच्चाई में बदल दिया। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, और लास्ट में कट। वाह भाई जी वाह, बहुत खूब। अभी जी अगर यही दिमाग और यही जुनून एक अच्छी फिल्म बनाने में लगाते ना, तो तुम्हारे पीछे अवार्ड और तारीफों की लाइन लग जाती। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जिस जुर्म की राह पर तुम निकल पड़े हो ना, उस राह पर तुम्हें मिलेगा सिर्फ फांसी का फंदा, फांसी का फंदा। दो गोलियां लगी बस छाती में, पॉइंट ब्लैंक। मतलब किला ज्यादा दूर नहीं था, ये शेल्स तो यहीं है, यहीं खड़ा हुआ कौन है? हाँ, शायद इसीलिए ये पांच लोग जो नीचे खड़े थे उन्हीं को देख नहीं पाए, पर्दे भी लगे हुए थे। तुम सब सुबोध कुमार को कैसे जानते? सुबोध सर थिएटर के प्लेस डायरेक्ट करते थे, हम सब उन्हीं के साथ काम करते थे। मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं भी, मैं उसमें लाइटिंग, लाइट वगैरह जो होती ना उसमें, मैं बैक स्टेज और कॉस्ट्यूम संभालती थी। और आलोक जिसके पैर में गोली लगी थी, वो आर्ट डायरेक्टर थे। आई कैन बिलीव इट कि आलोक को गोली लगी है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ वो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है कि गोली पैर से आर पार हो गई, सो ही शुड बी फाइन। जैसे ही आलोक को गोली लगी एकदम से भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ लोग तो सर सुबोध और आलोक के ऊपर से भागे, और ये हड़बड़ी मचाई इसने स्मोक बॉम्ब ने। स्मोक बॉम्ब, तो फिर इसके धुएं का फायदा उठाकर खूनिया से निकल गया। अच्छा तो आप लोग में से किसी ने भी खूनी को यहां से भागते हुए नहीं देखा? नहीं, हम लोग तो खुद इधर उधर भाग रहे थे। इनफैक्ट मैं तो भागते हुए पार्ट के ऊपर गिर गई। तुम लोग इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे थे? कोई रिहर्सल थी क्या? नहीं, पता नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि सर ने खुद हमें मैसेज करके यहाँ पे बुलाया था। जरा फोन दिखाइए। अरे यार क्या हुआ? गर्मी है, मैं एसी ऑन करता हूँ। प्लीज। कमाल है, ये एसी को क्या हो गया? परसों तक तो ठीक था। कोई बात नहीं, रहने दो। ऑल ऑफ यू कम टू द रिहर्सल हॉल एट 10 PM, डू नॉट बी लेट, नो एक्सक्यूजेस। तुम्हारे सर तो काफी स्ट्रिक्ट लगते हैं। मैम काफी नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो फिर आप लोग काम क्यों करते थे उनके साथ? वो जैसे भी थे, ही वॉज अ जीनियस, बहुत सक्सेसफुल थे जी। उनके साथ जितने भी लोगों ने काम किया है आज तक, उस सब के सब अपनी जिंदगी में सेट है। आपके सुबोध सर तो काफी सक्सेसफुल और टैलेंटेड थे, फिर तो उनके काफी सारे राइवल्स रहे होंगे, आई मीन काफी सारे दुश्मन। हाँ, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो उनको लाइक नहीं करते थे, ना दोस्त ना फैमिली। हाँ, लेकिन दुश्मन बहुत सारे थे इस सुबोध के, शायद इन्हीं में से किसी ने मारा हो बदला लेने के लिए।
तभी वो पहले से अपने साथ गन लेकर आया था। हाँ, और साथ में वो बॉम्ब्स भी। उसे पता था कि ये पांच लोग यहीं पर होंगे, इसलिए पूरी तैयारी करके आया था। ये प्लान्ड मर्डर। तुम लोगों के सिवाय और किस किस को मालूम था कि तुम लोग आज रात यहाँ पे आने वाले हो? नहीं, मेरे ख्याल से किसी और को नहीं पता था। उन्होंने हम ही लोगों को मैसेज करके बोला था कि यहाँ पे आने के लिए। सर, एक और आदमी था जिसको सुभज जी ने मैसेज किया था, अभिषेक नाम है उसका। अभिषेक? ये सुभज जी का मोबाइल है, मैसेज लिस्ट में अभिषेक का नाम है। कौन है ये अभिषेक? हमारी टीम का मेंबर था, बस संडे शाम को सुबोध सर ने उसे टीम से बाहर निकाल दिया था। क्या काम क्या करता था वो? सर, वो मेरे साथ बैकस्टेज संभालता था प्रॉपर्टीज वगैरह। मतलब नाटक में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उसके हाथ में थी, जैसे कि वो स्मोक बम। तो मैसेज में तो क्लियर लिखा है कि ऑल ऑफ यू, मतलब वो जानता था ये अभिषेक कि तुम सब यहाँ पर होंगे। कहाँ रहता है अभिषेक? सर, ये जूता, ऐसा जूता तो अभिषेक पहनता था। जिंदा है? पानी मारते हैं इसको। कौन है तुम लोग? मुझे यहां लेके क्यों आए? मेरा जूता किधर है? शूज। हम लोग कौन है, तुम यहां पर कैसे आए, तुम्हारा जूता कहां है, ये सब बाद में। पहले ये बताओ, तुम्हारे शर्ट पे सुबोध का खून कैसे आया? सुबोध सर का खून? तुम लोग कौन हो, इधर क्यों लेके आए? हम लोग कौन है? हट। देख, दिख रहा है? हाँ? सीआईडी? टन 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 टन। मैंने कुछ नहीं किया। चुप, मुंह बंद, कोई बकवास नहीं। अभिषेक, कल रात 10 बजे सुबोध का खून हुआ है, किसी ने गोली मार दी उसे। तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स वहां थे, सिर्फ तुम नहीं थे। कहां गायब हो गए थे और क्यों? और जब तुम मिले, तुम्हारी शर्ट पे सुबोध जी का खून लगा हुआ था। सर, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? सर, मैंने सुबोध सर को नहीं मारा। चलो ठीक है, लेकिन तुमको सुबोध सर का मैसेज आया था ना, तो गए क्यों नहीं? मुझे कोई मैसेज नहीं आया सर। झूठ बोलने से पहले दो बार सोच ले। तेरा फोन हम लोगों ने चेक किया है, मैसेज आया भी है और तूने उसे पढ़ा भी है। सर, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। पीने के बाद थोड़ा भूल जाता हूँ, कुछ याद। लेकिन सुबोध को मारना नहीं बोले तुम। और भूलता भी कैसे, सुबोध से बदला लेना था ना तुम्हें, हा? नौकरी से निकाल दिया था ना उसने तुम्हें। हाँ सर, गुस्सा आया था मुझे, उन्होंने मुझे बिना वजह काम से निकाल दिया। मगर सुबोध सर को मैंने नहीं मारा सर, बिलीव मी सर, सच बोल रहा हूँ सर। कैसे बिलीव करें, तुम तो पीने के बाद आधी बात भूल जाते हो। बाहर से निकलने के बाद तुम्हें जो लड़की मिली, उसके साथ बैठ के प्लान बनाया होगा तुमने सुबोध को मारने का। हा? कौन सी लड़की, कौन सा मैसेज? सर, मैंने खून नहीं किया सर। चलो मान लिया कि तुमने सुबोध का खून नहीं किया, सुबोध के खून के छींटे कैसे तुम्हारे शर्ट पर? सर, मुझे कुछ पता नहीं। ए, नाटक नहीं यहाँ पे, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ ड्रामा करोगे, हम लोग मान जाएंगे? खून करके स्मोक बॉम्ब फेंक के ये धुएं में गायब हो गया, इसके हाथ में स्मोक बॉम्ब के केमिकल के ट्रेसेस मिले सर, खूनी यही है। नहीं नहीं पंकज, ये अभी पक्का नहीं है कि खून इसी ने किया, लेकिन एक बात पक्की है बॉस, सुबोध का खून कल रात को 10 बजे नहीं हुआ है।
ये तो क्या बात कर रहा है फड़के? मैं ये कह रहा हूँ बॉस कि सुबोध का खून कल रात को 10 बजे नहीं बल्कि परसों रात को 10 बजे हुआ है। 24 घंटे पहले? सर ये सब हो क्या रहा है और हमें आप लोगों ने यहाँ क्यों बुलाया है? तुम सभी लोगों से मुझे एक जरूरी सवाल पूछना है, इसलिए। क्या? क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम सब ने सुबोध का खून होते हुए देखा? हाँ सर, और ये बात तो आपको पहले भी बता चुके हैं। अरे सॉरी सॉरी भाई, माय मिस्टेक। चलो आपके लिए एक सवाल मैं आसान कर देता हूं। क्या तुम सब ने सुबोध का ही खून होते हुए देखा? हाँ सर, हम सब लोग वहीं पे थे, हम लोगों ने सुबोध सर को ही देखा था। सर यू मीन वो सुबोध सर नहीं बल्कि कोई और था, उनका डुप्लीकेट और समथिंग? नो वे, ऐसा हो सकता है क्या? हम सुबोध सर को पहचानने में गलती कर सकते हैं? एग्जैक्टली सर, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। अरे भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम सब बेवकूफ हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो ये कह रहे हैं। आंखों का धोखा, तुम लोग वही देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ठीक ऐसा ही धोखा उस रात सुबोध का जब खून हुआ तब तुम्हारी आंखों ने खाया था। तुम सब पेपर्स घोस्ट से धोखा खा गए। पेपर्स घोस्ट? पेपर्स घोस्ट ये क्या है? लेकिन ये सब किया किसने? तुम लोगों में से किसी एक। ये सब क्या था सर और ये सब कैसे हुआ? 100-150 साल पुराने ट्रिक है। जो कुछ आप लोगों ने देखा वो नजर का धोखा था, एक इल्यूजन था। एक प्रोजेक्टर से एक फिल्म प्रोजेक्ट की गई एक स्क्रीन पर और उस स्क्रीन का एंगल कुछ इस तरीके से रखा गया ताकि जो इमेज उस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की जा रही थी वो एक रियल लाइफ इमेज लगे। ऐसा ही उस रोज हुआ। हो रहा प्रोजेक्टर, उस प्रोजेक्टर से सुबोध जी का फिल्म इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया गया और आप लोगों को सुबोध जी का एक रियल लाइफ इमेज दिखाई दिया ताकि तुम लोगों को लगे कि वाकई सुबोध वहां मौजूद था, किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। उस रात सुबोध जी का खून नहीं हुआ था, उनके मर्डर की फिल्म चल रही थी। उनका खून तो एक दिन पहले हो चुका था। एक दिन पहले? लेकिन सर हमें तो वहां कोई प्रोजेक्टर दिखा ही नहीं। जैसे गोलियां चलाने और स्मोक बॉम्ब फेंकने के लिए मशीन यूज की गई थी वैसे ही खूनी ने प्रोजेक्टर को कहीं छुपा दिया होगा। बिल्कुल, प्रोजेक्टर को कहीं छिपा दिया गया था। और ये देखिए जिस रूम में सुबोध जी का खून हुआ वहां पर मुझे मिला ये, जानते हैं क्या है? ये स्क्रीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। लेकिन सर ये सब हम में से किसने किया? इसका जवाब तो तुम में से कोई एक देगा। तुम में से? ये देखो, सर इन सबके चेहरे की हवा तो उड़ी हुई है। हाँ पूर्वी, सिवाय दो लोगों के, आलोक और विनीशा। यार तुम लोग तो बहुत बहादुर हो सर, ये लोग तो डरे ही नहीं। ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग, और हम ऐसा करेंगे भी क्यों? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुमसे ज्यादा और किसे पता होगा, तुम ठहरे एक आर्ट डायरेक्टर, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोजेक्शन, लाइट्स,
इन सब के बारे में तुम्हें तो अच्छी खासी नॉलेज होगी ना, क्यों? और इस प्लान में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारी पार्टनर विनीशा। नहीं नहीं, ये क्या बकवास है? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप सब हमें जबरदस्ती फंसा रहे हैं। हाँ और नॉलेज भी है हमें तो क्या, मतलब हम खूनी हो गए? ये बढ़िया है, ये सब फालतू का नाटक कर रहे हैं आप लोग। मुझे देरी हो रही है, तुम लोगों को इनकी बकवास सुनी है तो सुनो, मैं जा रहा हूँ। चलिए हटिए। हम भी हटाने आए हैं समाज का कचरा। सुबोध सर को एक नया प्रोजेक्ट मिला था अमेरिका में। मैं बहुत खुश था कि पहली बार हमें किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे अपने साथ ले जाना तो दूर। सुबोध सर ने मेरा मजाक उड़ाया, कहते हैं कि मैं एक घटिया आर्ट डायरेक्टर, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने के लायक नहीं, एक लो बजट घटिया प्रोजेक्ट में काम करने के लायक हो। वो चाहते नहीं थे कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। उनका पागलपन साहब, उनका सनकीपना सब बर्दाश्त किया और बदले में उन्होंने मेरी बेइज्जती की। तो मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए विनीशा के साथ मिलकर सुबोध को मारने का प्लान बनाया। ये सुबोध जी की रिकॉर्डिंग कैसे हाथ लग गई तुम लोगों के? वो रिकॉर्डिंग एक्चुअली हमने की थी। कुछ दिन पहले मैंने सुबोध सर से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक सीन रिहर्स करके दिखा दीजिए। सर ने एक्टिंग करी और इसने रिकॉर्ड कर लिया। और खून कब किया? 2 दिन पहले मैंने उन्हें अपने घर बुलाया था ड्रिंक्स के लिए। मैंने अपनी ड्रिंक उनके शर्ट पे गिरा दी थी और दूसरी शर्ट दी थी बदलने के लिए। सेम वैसी ही शर्ट जिस शर्ट में तुमने उनकी रिकॉर्डिंग की थी और उसके बाद उनका खून कर दिया। पूरा तमाशा खत्म हो जाने के बाद तुमने रूम में जाके सारी मशीन निकाल ली और उस बेचारे अभिषेक को फंसा दिया। प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया था तुम दोनों ने, क्यों आलोक और विनीशा, है ना? लेकिन भूल गए तुम कि हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है ना डॉक्टर साळुंखे, उन्हें आज तक कोई फंसा नहीं सका। तुम्हारे पेपर्स गोस्ट भी अब जेल में सड़ते बैठना, सोचते बैठना कि और कोई नया प्लान कर सकते थे क्या। ले जाओ इन दोनों को। तीन चार वार किए हैं चाकू के। लाश ज्यादा पुरानी नहीं है, लगता है कल रात ही खून हुआ इसका। जो वह खेलते खेलते मर गया। ये 5 ग्लास पड़े हुए यहाँ पे और ये 5 हिस्सों में पत्ते बटे हुए, लगता है इसके अलावा 4 लोग और थे, उनमें से किसी ने मारा होगा इसे। बाहर से भी कोई आ सकते हैं। पूर्वी पंकज जरा देखो ये खिड़की और दरवाजे टूटे हुए तो नहीं है। सर ना तो इसका मोबाइल है और ना ही कोई आईडी, समझ में नहीं आ रहा कौन है। मिस्टर हेमंत है कौन ये आदमी? नहीं सर, मैंने तो इससे पहले कभी देखा भी नहीं। ये आदमी आपके घर में मरा पड़ा है और आपके घर पे चारों तरफ उसकी तस्वीरें लगी है, ऐसे कैसे हो सकता? एक अजनबी आदमी आपके हॉलिडे होम में आके ये ताश खेलता है, मारा जाता है, हाउ इज इट पॉसिबल? कोई गार्ड वार्ड नहीं है क्या यहाँ पे? था सर, सालों से एक ही गार्ड था, पर कुछ 4 महीने पहले उसकी डेथ हो गई, बस तब से कोई नहीं है। हमने सोचा था कि नया गार्ड रख लेंगे पर। कमाल है सर, इतने सुनसान बंगले में इतने सारे लोग पत्ते खेलने आते और किसी को पता भी नहीं है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने इस आदमी को कभी देखा तक नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है, इसकी तस्वीरें यहाँ क्यों हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंकज सर,
जबरदस्ती तो कोई अंदर आया नहीं। हाँ, पीछे वाले दरवाजे पे ताला नहीं है और उसकी चटकनी बाहर से भी खोली जा सकती है। वहीं से आए होंगे वो लोग। और सर, ये लिविंग रूम की जो खिड़की है सर, इसके बाहर एक कांटे का झाड़ है। झाड़ पे ये अटका हुआ मिला सर, कपड़े का टुकड़ा। लगता है कोई इन पे नजर रखे हुए था वहां पे। जब भागा दौड़ी में भागे होंगे तो ये कपड़े का टुकड़ा फंस के वहीं पे अटक गया। मरने वाले के अलावा यहाँ पे चार लोग थे और एक आदमी बाहर, कुल मिला के पांच। तो इस क्राइम के कम से कम पांच गवाह होने चाहिए। अगर उन पांचों में से एक भी पकड़ में आ गया तो पता चल जाएगा कि कल रात यहाँ पे क्या हुआ था। सर, सिट तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा पार्टनर था, सब कुछ सही चल रहा था। इतने टाइम से कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। उस रात पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो हर बार की तरह नकली चाकू ही मारा था, पर वो मर पता नहीं कैसे गया सर, मुझे नहीं पता। इसे नहीं पता, नाटक बंद करो और सब साफ साफ बताओ। बताओ सर, हम अमीर NRI लोगों को बकरा बना के ठगते थे और दिनेश जेरीज क्लब से ऐसे बकरों को सिट से मिलवाता था और फिर सिट उन अमीर NRI लोगों को किसी खाली सुनसान बंगले पे ले जाता था जिसको हम पहले से ही सिट के बंगले की तरह सजा देते थे। हाँ सर, सर मेरा एक बिजनेस भी है सर, रियल एस्टेट एजेंसी का। तो सर, इस काम के लिए मैं ऐसी खाली सुनसान बंगलों का पता लगाता था और सर फिर अवेलेबल करवाता था इस काम के लिए सर। सर, पहले हम बकरों को खेल में जीतने देते थे और फिर जब उनको भरोसा होने लगता तो सिट जीतना शुरू कर देता था। सब कुछ प्लान्ड होता था सर, सिट जीतता रहता था और फिर उसके मेरे बीच में झगड़ा होता और मैं उसका फिर खून कर देता था झूठ मूठ में। ये सब देख अमीर NRI लोग घबरा जाते थे और अपने पैसे वैसे सब छोड़ के भाग जाते थे। उठ जा नौटंकी, गए वो। पक्का गया? पक्का गया। अरे लग जाएगा पागल। और फिर हम लोग वो पैसा आपस में बांट लेते थे। उस रात भी सब कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने उसको चाकू मारा और फिर सिट। हरीश, क्या क्या तूने मैं खून कर दिया? अभी ना हम सब मारे जाएंगे, देख तू। अरे हम सब क्यों? अरे मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं। नहीं, पुलिस को फोन करते और सब कुछ बता देते। मुझे पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए। मेरा पासपोर्ट, US की सिटीजनशिप सब फंस जाएगा। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं। अरे सो गया क्या सेट? उठ जा भाई, गया वो, ओवर एक्टिंग मत कर। सेट सेट सेट। अरे चल माल उठा। अरे ये तो सच में मर गया। अबे चाकू सच में लग गया क्या इसको? अबे क्या बकवास कर रहा है तू? देख सेट उठना। ये चाकू तुम सच में कैसे? तूने चेक नहीं किया था चाकू मारने के पहले? क्या पहली बार कर रहे हैं क्या? शूटिंग का चाकू है, एक ही तो चाकू है अपने पास। पर ये खून कैसे निकल सकता है इससे? ये किसी ने जानबूझ के किया है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को बताएंगे तुम सब फंस जाएंगे। तो क्या करें? तेरा गेम उल्टा पड़ गया भाई। क्या? ये देखो, ये देख फोटोज भी। मैंने ये फोटोज पुलिस को भेज दी हैं एड्रेस के साथ। वो लोग वहां बस आते ही होंगे, बहुत शौक है ना खेलने का। अब पुलिस के साथ छुपन छुपाई खेल ऑल द बेस्ट। देख पुलिस आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, हमें भागना चाहिए। हाँ, ये सब पैसे ले रहे थे अपन। अबे पागल है क्या? जान बचेगी तो पैसे कमा लेंगे। अभी निकलो यहाँ से। भाग। तुमने कहा कि तुम लोग वहाँ पैसे छोड़ के भागे थे? हाँ सर, पूरे 90 लाख रुपए थे सर, हम सब छोड़ के भाग गए। लेकिन हमें तो वहाँ कोई रुपए मिले ही नहीं। मुझे नहीं पता मैम, वो पैसे कहाँ गए, वो नकली चाकू असली कैसे बन गया, सिट का खून कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता।
किसी ने तुम्हें तुम्हारे चाल में फंसा दिया, समझे? अगर कोई ऐसा है जो तुम्हारे इस खेल के बारे में सब कुछ जानता है, उसी ने चाकू के साथ छेड़छाड़ की और सेठ का खून हो गया। और वो दिनेश, वो कहाँ है? सिड के मरने के बाद मैंने दिनेश को फोन किया था। मेरी बात सुनके वो बहुत घबरा गया था, बोला कि वो शहर छोड़ के भाग जाएगा। ये दिनेश तो तभी से गायब है, तो ये सारी चाल इस दिनेश की तो नहीं। पहले रणबीर को वहां भेज दिया और फिर हरीश का चाकू ही चेंज कर दिया और फिर ये दिनेश बालकनी में छुप गया। और फिर वहां से दिनेश ने फोटोग्राफ्स ली सर और हरीश को भेजा और फिर कहा कि पुलिस आने वाली है और ये लोग सब डर के भाग गए। 90 लाख रुपए छोड़कर भाग गए। मतलब दिनेश ने हमारे साथ गद्दारी की। वाह, सबको धोखा देने वाले लोग, जब खुद को धोखा मिला तो बुरा लग रहा है। सर, इन फोटोग्राफ्स में जो 8 लोग हैं, ये लोग उस वक्त इंडिया में थे ही नहीं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग उस हादसे के बाद इंडिया वापस आए ही नहीं, सिवाय ये 4 लोग सर, ये अपने 3 गवाह विक्रांत, रणबीर, प्रीतम और मिस्टर राणा। सर, अभी मेरी राणा जी के घर पे बात हुई सर, उनकी वाइफ से। 3 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी सर, और 3 साल पहले इन लोगों ने उन्हें ठगा था। वो इसी गिल्ट में रह गए सर कि उनके सामने किसी का खून हुआ था और कुछ नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्हें नशे की आदत हो गई। और मतलब बचे 3 सस्पेक्ट्स, प्रीतम, रणबीर और विक्रांत। प्रीतम और विक्रांत ये लोग देश में तो थे लेकिन शहर में नहीं थे। अब ये बचता है रणबीर। रणबीर तो खुद वहां मौजूद था, वो तो उन फोटोज में भी है। हाँ सर, वो एक साथ बालकनी में और हॉल में नहीं हो सकता सर, ये कोई और ही है। तो फिर कौन हो सकता है खूनी? पंकज, मिस्टर राणा की मौत 3 साल पहले हुई है, उनके सारे डिटेल्स दो मुझे। सर, लेकिन आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? आखिर तक हमें लग रहा था कि दिनेश खूनी है, लेकिन उसने खुदकुशी की और साबित कर दिया कि वो खूनी नहीं हो सकता। मानसी, इसे पहचानती हो? ये है तुम्हारी यूनिफॉर्म के कपड़े का टुकड़ा, इसी की वजह से हम तुम पर शक करने लगे। और फिर हमने ये पता किया कि तुमने ऐसा क्यों किया। आप जानते थे कि मैंने ये सब क्यों किया? मिस्टर राणा, आपके पिता थे, राइट? हाँ, वो मेरे पिता थे और उनकी जान सिड और उनके साथियों की वजह से गई थी। वो उस हादसे को भुला नहीं पाए थे, वो एक डायबिटीज के मरीज थे, फिर भी उन्होंने लगातार शराब पीना शुरू कर दिया। क्या उन्हें पता था कि ये सब जो हो रहा है वो एक नाटक है? नहीं, वो नहीं जानते थे। अगर वो जानते होते तो अपनी जान नहीं लेते, वो तो इन सारी चीजों को सच मानते थे। यूएस में थी मैं जब मॉम का कॉल आया। पापा की हालत बहुत नाजुक थी। जब मैं इंडिया आई उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उनका एक अधूरा काम पूरा करना है और उनके गुनहगारों को सजा दिलवानी है। फिर मैंने भी पापा को प्रॉमिस किया कि मैं उनका अधूरा काम पूरा करूंगी। उसके बाद वो हम सबको छोड़ के चले गए। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई केस रजिस्टर ही नहीं हुआ था। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि पापा ने कहा था कि जेरीज क्लब में दिनेश ने उन्हें सिट से मिलवाया था। तो इस तरह तुम दिनेश से मिली? हाँ, फिर मैंने वहां वेट्रेस की नौकरी कर ली, दिनेश से दोस्ती बढ़ाई और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। फिर मुझे सारा मामला समझ में आ गया कि कैसे उन लोगों ने मेरे पापा को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटे थे। मगर कानून से मदद लेने के बजाय तुमने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। बेईमानी के बदले बेईमानी, तुमने दिनेश से प्यार का नाटक किया। हाँ, किया मैंने नाटक उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और इसमें तुम्हारी मदद की तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे असली बॉयफ्रेंड ने।
मिलकर प्लान बनाया। रणवीर उस रात जानबूझकर बकरा बना था। और वो चाकू किसने खराब किया? अगर इस पेज को घुमा दिया जाए तो ये नोक अटक जाती है। वो चाकू भी खराब मैंने ही किया था और बैल्कनी में से चुपके फोटोज भी मैंने ही लिए थे। फिर मैंने वो फोटोज हरीश को भेजे और उनको वहां से भगा दिया और खुद पैसे लेकर वहां से निकल गई। मैंने मेरे पापा को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। वो पैसे मेरे पापा के थे। मैंने उन्हें न्याय दिलवाया। गलत। न्याय दिलाना तुम्हारा काम नहीं, कानून का है। तुमने कानून को अपने हाथों में लिया और एक बहुत बड़ा जुर्म किया। अब कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.